नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको लेकर चलूँगा 3 दिसंबर 2019 को। जी हाँ, ब्रसल्स बेल्जियम की राजधानी, बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग चल रही है नेटो की। नेटो के सभी देश एक साथ, उनके सभी जो लीडर है, टॉप लीडर है, जैसे कि राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, उन देशों के मीटिंग कर रहे हैं। और वहाँ पर अमेरिका और फ्रांस गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हैं कि जी चाइना बहुत बड़ा खतरा है, इसे अपना एनिमी घोषित कर दें। जी हाँ, लेकिन दो देश इटली और जर्मनी कह रहे हैं कि जी नहीं, ऐसा नहीं है और हम ऐसा नहीं करेंगे। जी हाँ, और उसी का खामियाजा आज पूरा पश्चिम भुगत रहा है। जी हाँ, अगर उस समय एक तरीके से चीन को एक दुश्मन देश घोषित कर दिया जाता तो फिर एक नेटो की वॉचडॉग कमेटी होती जो यहाँ पर बैठती और इस चीज़ को देखती कि कहीं इस मतलब कि जितने भी चाइना की एक्टिविटी होती सभी को ट्रैक करती और शायद ये पेंडेमिक इतना ना फैलता। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जी हाँ, क्योंकि देखिए, चीन का सबसे बड़ा खतरा है नेटो। नेटो वो संगठन है जो पश्चिम की सबसे बड़ी ताकत है। जी हाँ, पश्चिमी देशों की। और इसी संगठन ने ना सिर्फ पूरे पश्चिमी देशों को बचाए रखा सालों तक सोवियत यूनियन के एक तरीके से इन्वेजन से या आक्रमण से, इसके आर्टिकल 5 ने, जी हाँ, इसका सबसे ताकतवर जो अगर कोई पॉइंट है जिस पर ये सभी देश एग्री हैं वो है आर्टिकल 5, यानी कि अगर एक पर अटैक होगा तो सभी 28 देश उसका जवाब देंगे। और न सिर्फ इसने बचाए रखा सोवियत यूनियन को, बल्कि सोवियत यूनियन को तोड़ भी दिया था। और इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान था सोवियत यूनियन को तोड़ने में। लेकिन क्या हुआ था कि पिछले कई सालों से, खास करके पिछले 15 सालों से, रूस कमज़ोर पड़ता गया और इस संगठन के पास कोई मोटिव नहीं रहा। और जिस चीज़ के पास कोई मोटिव नहीं रहता ना, वो टूटने लगता है। और यही नेटो के साथ हो रहा था। इसमें देशों में आपस में एक तरीके से बहुत मतभेद सामने आने लगे थे और इनका कोई लक्ष्य नहीं था। और आपको ये भी बता दूं कि देखिए, एक इसमें पॉइंट ये भी था कि डोनाल्ड ट्रंप की जब से आए हैं इन्होंने भी कमज़ोर करने की कोशिश की है नाटो को, इन्होंने फंडिंग को लेकर। दरअसल इसमें जो नाटो की एक तरीके से जो वहाँ पर संविधान है इनका एक छोटा सा, उसमें लिखा हुआ है कि सभी देश अपनी जीडी का 2% अपने सैन्य खर्च पर, मतलब कि सेना पर खर्च करेंगे। इसमें अमेरिका, तुर्की जैसे देश तो खर्च कर रहे थे, लेकिन जो बड़े देश थे जैसे कि जर्मनी या फिर जो इटली या फिर पोलैंड तो खर्च कर रहा था, या फिर जो छोटे मोटे देश थे जो मतलब कि अपने सोशल यानी कि जैसे कि पेंशन वगैरह पर ज़्यादा खर्च करते हैं, अपने यहाँ पर हॉस्पिटल वगैरह पर, लेकिन वो अपनी सेना पर खर्च नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें कोई खतरा दिख रहा था, उन्हें चीन और रूस का गठजोड़ खतरा नहीं दिख रहा था। लेकिन अब नाटो दोबारा खड़ा हुआ है। बड़े बड़े जो विशेषज्ञ हैं, जो मतलब कि नाटो को ऑब्जर्व करते आए हैं सोवियत यूनियन के बाद के टाइम से ही, उनका मानना है कि नाटो को अब एक मोटिव मिल गया है चीन के रूप में, और चीन और रूस का जो गठजोड़ है उसके रूप में भी। जी हाँ, जो देश खास करके जर्मनी या फिर जो इटली जो चीन के साथ काफ़ी क्लोजनेस रखते थे, उनसे उसे व्यापार करते थे, उसे खतरा नहीं मानते थे, अब उनकी आंखें पटाखे जैसी खुल गई हैं। जी हाँ, और इसी का फायदा नाटो को मिलेगा, नाटो मजबूत होगा। और ये सबसे बड़ा डर है चीन का। चीन को पता है कि उससे भी ताकतवर जो देश था वो था सोवियत यूनियन। चीन तो कुछ भी नहीं है। अगर आपको चीन की असली मतलब कि जो ताकत देखनी है ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया एक वीडियो का, उसमें कंपैरिजन है मतलब कि चाइना वर्सेस अमेरिका की, जो टोटल एयरफोर्स का या फिर जो नेवी का या थल सेना का, तीनों का मैंने कंपैरिजन कर रखा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जाकर देख लेना एक बार, आपको पता चल जाएगा चीन की असली औकात है क्या। चीन तो कुछ भी नहीं है। चीन से कहीं ज़्यादा गुना एक तरीके से शक्तिशाली था सेना के मामले में सोवियत यूनियन, वो तो आज भी रूस भी है कई मामलों में, बहुत से मामलों में चीन की सेना से ज़्यादा ताकतवर। उस समय तो सोवियत यूनियन की अलग ही पावर थी, अलग उसकी भी एक अलग ही इकोनमी थी, उसकी भी एक अलग ही वो था मतलब कि ओरा था उस समय। उसे डिसोल्व कर दिया था, उसे तोड़ दिया था नाटो ने। नाटो की शक्तियाँ बहुत तगड़ी हैं। और दूसरी बात, चीन को सबसे ज़्यादा खतरा लगता है अमेरिका से, और उससे भी ज़्यादा खतरा लगता है नाटो से, क्योंकि नाटो में शामिल है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इतनी तगड़ी तगड़ी दुनिया भर की नेवियाँ, इनके तगड़े तगड़े एक तरीके से जो फाइटर जेट है, इन्हें संभाल नहीं पाएगा चीन। चीन को यही डर था। और देखिए, अगर चीन ने जो बड़े से विशेषज्ञ हैं, जो खास करके स्टॉकहोम पीसीएस इंस्टीट्यूट के जो बड़े विशेषज्ञ हैं, उनका मानना यह है कि अगर चीन ने ये कोरोना वायरस जानबूझकर फैलाया है और पश्चिमी देशों को इसके सबूत मिल जाते हैं, तो ये चीन की आखिरी गलती भी साबित हो सकती है। जी हाँ, उसका क्योंकि उस पर सैंक्शन लगाने से पीछे नहीं हटेगा। देखिए, ये चीन के लिए बहुत बुरा साबित हो सकता है कोरोना वायरस। अभी तो चीन खुश हो रहा है कि जी उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, लेकिन उसने क्या कर रखा था अभी तक, फूट डाली हुई थी पूरे के पूरे एक नाटो संगठन में। उसके कुछ देशों में भारी एक तरीके से निवेश करके उसने नाटो संगठन को अलग से कर रखा था, लेकिन
अब एकजुट हो जाएंगे, क्योंकि जब जब किसी चीज़ को मोटिव मिल जाता है ना, तो वो पूरी एक तरीके से शिद्दत के साथ अपने विरोधी से लड़ती है। और ये बात देखने को भी मिल रही है, क्योंकि अब इटली में बहुत ज़्यादा गुस्सा है लोगों का चीन के खिलाफ। इसके अलावा जर्मनी में तो है ही भाई, इनके लाखों लोग एक तरीके से मरने कगार पर हैं, हजारों मर चुके हैं, तो गुस्सा तो ऑब्वियसली होगा ही। और चीन की इज्जत तो बस क्या कहें कि मिट्टी में ही मिल चुकी है। जी हाँ, और चीन का जो ख्वाब था या फिर जो चीन का सपना था, वो मुश्किल लग रहा है नाटो के सामने। अगर नाटो दोबारा खड़ा हो जाता है, अगर चीन मान लीजिए उसमें कुछ ऐसा कर पाता है, कुछ उसने चाल जल्दी की, फिर से पैसे वैसे का लालच दे दिया इनके कुछ देशों को और नाटो से अलग कर दिया, फिर भी बच पाना मुश्किल है चीन का। क्योंकि नाटो में कुछ ऐसी बड़ी शक्तियाँ हैं जैसे कि मैंने आपको गिनाई, जैसे कि यूके, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन और सबसे बड़ी ताकत अमेरिका, इन्हें यही इसकी मेन कोर है। जी हाँ, बाकी तो इस चिपके हुए हैं इसके साथ, लेकिन मेन कोर यही है और ये पूरी तरीके से अब खिलाफ है चीन के। मैं इस पर आपको सारी अपडेट देता रहूँगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और वीडियो थोड़ी सी लेट इसलिए आई आज, क्योंकि मैं सुबह से आपको बताऊँ कि मैं आज 3:30 बजे उठ गया था, तब से इसकी वीडियो के बारे में रिसर्च करने में लगा हुआ था, बहुत से इसमें चीज़ों को मैंने देखा था और फिर मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, तो इसे थोड़ी लेट हो गई। तो लेकिन मैं दूसरी वीडियो जो अभी डालने वाला हूँ 3 से 4 घंटे के अंदर मैं डाल दूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को लाइक शेयर तो करना ही करना है, वो तो कहने की बात है ही नहीं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो, कीप सब्सक्राइब, कीप शेयर।